नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा, दीपावली का समय है और इस टाइम पे जो है कि हर कोई चाहता है कि जो भी अपने चाहने वाले हैं या कोई उनके यहाँ वर्किंग है तो उसको जो है कि वो गिफ्ट के रूप में कुछ अमाउंट दे, जो भी वो गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, चाहे वो मिठाई का डब्बा हो, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई भी सामान जो उसकी इच्छा में है वो दे सकता है। तो ऐसे में आता है कि अगर गिफ्ट देना चाहता है कोई और दीपावली का समय है, हर कोई दीपावली को जो है कि सेलिब्रेट करता है एक दूसरे को गिफ्ट दे करके, तो ये भी होता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को भी दे रहा है। एक कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो कंपनी जो है कि आपके जितने भी अपने एम्प्लॉय होते हैं सभी को जो है कि गिफ्ट देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार होता है कि अपनी की तरफ से आपको गिफ्ट कार्ड दिया जाता है, उस गिफ्ट कार्ड में आपको एक अमाउंट होता है जो अमाउंट कंपनी की तरफ से उस कार्ड में लोड कर दिया जाता है। तो ऐसे ही कार्ड्स जो कि एक गिफ्ट कार्ड कहलाता है, ऐसे ही आप किसी को बर्थडे गिफ्ट भी दे सकते हैं आप, या एनिवर्सरी जो आपका होता है अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप भी ये कर सकते हैं। ऐसे मतलब ये कि आप जो भी गिफ्ट अगर चाहते हैं किसी को एक सर्टेन अमाउंट जो है कि गिफ्ट करना, तो गिफ्ट कार्ड जो है कि आप परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा आपसे कि आईसीआईसीआई बैंक का गिफ्ट कार्ड यदि आप परचेज करना चाहते हैं, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड जो है कि परचेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कैसे जो है कि इसे आपको अप्लाई करना है, तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो होते हैं वो आप लोगों तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। तो दोस्तों ज्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको जो है कि घर बैठे बैठे जो है कि कार्ड आप अप्लाई कर दें तो आप ऐसा कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का जो वेबसाइट है तो आप आईसीआईसीआई बैंक के वेबसाइट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो भी आप लॉग इन करके कर सकते हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, उसके द्वारा भी कर सकते हैं, या अगर आपके आसपास में कोई आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच है वहां भी जाकर के आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मेलिटी होती है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले कि आईसीआईसीआई बैंक में जब आप जाते हैं, जब ब्रांच में आप जाते हैं तो वहां पे एक फॉर्म आपको दिया जाता है, ठीक है, वो फॉर्म आपको फिल करके और आपको सबमिट करना होता है। तो जो सबमिट करना होता है, जो भी आपका अमाउंट होता है, जो उन्हें आपने बताना होता है कि हाँ ये अमाउंट जो है कि मैं देना चाहता हूँ गिफ्ट, तो उतना अमाउंट जो है कि आपका उस कार्ड के में जो है कि आपका लोड कर दिया जाता है और वो जो कार्ड होता है आपको बैंक की तरफ से, ब्रांच की तरफ से जो है कि इशू कर दिया जाता है, आपके एड्रेस पर भेज दिया जाता है और आप उसको जो है कि जो भी आप जिसको भी देना होता है आप उसे दे सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा मैंने आपको बताया कि आप कार्ड यहां से परचेस कर सकते हैं, जो आईसीआईसीआई बैंक का जो वेबसाइट है वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो अब आती है बात कि अगर आपने परचेस कर लिया तो आप इसको जो है कि कैसे जो है कि एक्टिवेट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपका कार्ड आपको दिया जाता है तो उसको कुछ ही घंटों के अंदर में उसे एक्टिवेट भी कर दिया जाता है, क्योंकि जो सर्टेन अमाउंट आपने दिया हुआ होता है वो अमाउंट जो है कि आपके कार्ड में जो है कि लोड कर दिया जाता है और वो जो अमाउंट होता है आप उसे आप कुछ ही घंटों के अंदर में आप उसे इस्तेमाल करना अगर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें आपका पिन जनरेट भी किया जाता है, वो सारे जो प्रोसेस होता है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, कोई भी इशू आता है, तो कस्टमर केयर का नंबर जो है कि इनका सबसे पहला ये कहते हैं कि आप कस्टमर केयर नंबर पे सीधा बात कर लीजिए, आपको वहां से हेल्प कर दी जाएगी। कस्टमर केयर का नंबर इनका बहुत ही सीधा है, ये है 02-5040-5238। आप इस पर कॉल करके और आप इनसे बात कर सकते हैं कि आपको क्या इशू आ रही है, जहां जहां आपको डाउट लगता है आप वो
उनसे पूछ सकते हैं और वो आपको हेल्प कर देंगे। अब इसमें क्या होता है कि जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपका जो अमाउंट होता है वो लोड कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका पिन होता है उसे जेनरेट कर दिया जाता है, इंस्टेंटली जेनरेट कर दिया जाता है, एक्टिवेट भी कर दिया जाता है। और आपका जो गिफ्ट कार्ड होता है जो आप किसी को देना चाहते हैं तो आप उनको दे सकते हैं, या आप जो भी समय है आप उसके बाद जो कि आप चाहते हैं कि 24 घंटे में इसको एक्टिवेट किया जाए और उसके अंदर में आप उनको गिफ्ट तब तक आप पहुंचा देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, या आप इंस्टेंटली भी इसको जो कि एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी फैसिलिटीज इसमें दी जाती है। दूसरी बात ये कि आपका जो पिन है वो जनरेट किया जाता है, अगर आप कस्टमर केयर नंबर जो है 0225045258 पे अगर आप कॉल करके भी आप अपना जो पिन है वो जनरेट करवा सकते हैं। और जो आपका गिफ्ट कार्ड होता है, जैसे मैं हर वीडियो में बात करता हूं कि आप जैसे डेबिट कार्ड होता है बिल्कुल उसी की तरह के से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको 4 डिजिट का पिन दिया जाता है और वो पिन जो है कि आप एनेबल करके जो भी मर्चेंट का जो भी साइट होता है वहां पे आप इस्तेमाल इसका आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो अमेजन हो चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, बहुत ही इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि कैसे इसका जो बैलेंस है वो आप चेक कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए जो है कि आपको ये मैंने वीडियो बना करके दिया हुआ है, ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें बताया हुआ है। दूसरी बात ये आईसीआईसीआई बैंक को आप कहां कहां कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स में मैंने एक और वीडियो दी हुई है, आप ये वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स में बात करी हुई है। तो ये हो गया हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जो है कि गिफ्ट कार्ड अगर हम चाहते हैं किसी भी बैंक का तो उसका जो प्रोसेस होता है वो हम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया आईसीआईसीआई बैंक का। बाकी अगर अदर बैंक पे आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा और मैं उसके ऊपर जो भी आपका डिटेल्स है आप तक पहुंचा दूंगा। तो आपसे गुजारिश करूंगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।